सबसे पहले देव के देव महादेव के चरण में प्रणाम करते हैं, आदि शक्ति जगदम्बा के चरण में प्रणाम करते हैं, प्रणाम स्वीकार हो के धरती में बैठल धरती माता के प्रणाम करते हैं, प्रणाम स्वीकार हो के इंद्र भैया नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करते हैं, प्रणाम स्वीकार हो के अब सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरण में प्रणाम करते हैं, प्रणाम स्वीकार हो के आई दीदी आप लोग के बीच में आज बहुत दिन के बाद हम कथा लेके आयल बानी। कहे से कि कुछ लोग के कमेंट वाला दीदी आपके खाली भजन आवता तो कथा भी दे, तो एक हाथी आज हम कथा लेके आयल बानी। आशा ना उम्मीद करत नहीं कथा आप लोग के अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे चैनल के सब्सक्राइब करें, वीडियो के लाइक करब, शेयर करब, कमेंट में हर हर महादेव लिखल मत भूले। हर हर महादेव लिखला से बोलला से सुनला से महादेव की कृपा बसत रहे आप लोग के कल्याण। तो आई आप लोग के बीच में एगो कथा सुनाओ तन दीदी सुनी। कथा एगो राजा रानी के बा। एगो गांव में एगो राजा रानी रहत रहे लो। राजा रानी के बहुत संपत्ति रहे। राजा भोलेनाथ महादेव जी की पुजारी रहे। वो इतना पूजा पाठ कर सोचा कि हमारे साथे साथे तनी रानी पूजा करती इन्हों के पाप कटी। देखिए दीदी ये जोन जन्म मिलल बा जन्म में आदमी के बहुत बड़ा गलत फहमी ये रहेला कि चला हम पूजा करो तनी अगर हम पूजा करब तो हमारे मर्द के मिले। मर्द लोग के एक कहना मोला कि चला हम पूजा करब पूजा पाठ करब तो हमारे मेहरारू के मिले। बाकी ऐसा नहीं है दीदी। देखिए दीदी जब भगवान जन्म देवेनी अकेला आदमी के भेजेनी न केहू के परिवार बनावेनी ना मरद मेहरारू के बना के भेजेनी ऐसा भेजेनी का ना। एक हाथी कभी भी सोचे कि ना चाहे कि चलो हम पूजा पाठ करो तो इन तो हमारे मेहरारू के मिली अच्छा मेहरारू लोग करत लो दान पुण्य करता लो तो मर्द के मिली ऐसा नहीं है। जैसा आप कर्म करम आपके ही मिली। एक हाथी आप लोग भी दान पुण्य करी। ये शरीर मिलल बा आज हम आपसे मिलत तनी बात करत तनी आपके बीच में कथा सुनावत तनी। कल हो सकेला हमार आँख ना खुले। महादेव जी की बहुत कृपा बा कि हर रोज हम आपसे मिला तनी देखा तनी बोले तनी जहिया हमार आँख ना खुली समझब कि आप लोग से हम बात ना कर पाए। तो एक हाथी दान पुण्य हर इंसान के करे के चाहिए। राजा रानी दोनों जानी का कर लो। राजा जन रहना बहुत बड़ा महादेव के पुजारी रहना भोलेनाथ के पूजा करम पाठ करम सुबेरे 4 बजे उठ जा आ 4 बजे उठ के रानी के जगावे लगा। रानी के जगावा कैसे जगावा आई गीत के माध्यम से बताओ तनी। 4 बजे भोरावा में राजावा जगावा ले उठो हो रानिया। 4 बजे भोरावा में राजावा जगावे ले उठो हो रानिया। कल गुरु के भजनिया उठो हो रानिया। कल भोला के भजनिया उठो हो रानिया। जब राजा रोज सुबेरे उठ के कहा कि रानी उठ हम पूजा पाठ तो कई ले तू पूजा पाठ कर भगवान के भजन कर सुबेर हो गई बा। रानी का कर जब उठा तो अपने काम धंधा में उठा झाड़ू लगावा पोछा लगावा माजा धुआं बनावा कि हम इतने में रह जा। रानी लगा ऋषिया के राजा के बोले अपने तो सुते के बाद समय से उठे के बाद 4 बजे पूजा पाठ रोरे करी पूजा पाठ। पूजा पाठ से हमारे पेट में थोड़ी ना अनाज चल जाये बनायम तबे जाये। रानी साहब जब राजा बोल द कि उठा तनी पूजा पाठ कर रानी साहिबा सुबेरे से लेके सांझ ले बर 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 पूजा पाठ से भोजन थोड़ी ना मिली पूजा पाठ से भोजन। लेकिन ये बहुत गलत करत रही भगवान के देन बा कि हमने के मुंह भोजन लागता। अगर भगवान चाह दे तो कितना भी आप मेहनत करम आपके कुछ प्रॉफिट ना हो। का करो जब राजा जगाव तब ये इंगे बोले लगा। और रानी का कहा रानी कहा कि अरे काऊ हम करे रजवा गुरु के भजनिया बहुत रे बड़े नाम। घमंड में कहा कि काऊ हम करे रजवा अरे भोला के भजनिया बहुत रे बड़े नाम। हमार धन दौलतिया बहुत रे बड़े ना। हमार बेटा से पतोहिया बहुत रे बड़े ना। रानी साहिबा कितना घमंड रहे कि हम काहे करी भाई पूजा पाठ
हम के कोनो कमी थोड़ी ना बाजे के कमी रहेला, ऊ भगवान के पूजा करेला, ऊ भगवान के याद करेला। लेकिन का आप लोग के पता बा, जब हमनी के जन्म होला, जब हमनी के जन्म मिलेला, तो वो जो दागल जाला, हर छोट बच्चा के देखम, हर बच्चा के दाग के भेजल जाला कि ये निशान रही तो हो सकेला कि ओके याद रहे कि हमके का करे के बा। वहाँ लोग सब जब वहाँ से आवेला तो हर आदमी कहेला कि हे बाबा, हे भोलेनाथ, हे देवी देवता, हमके भेज दई लोग, हमके भेजी लोग, हम आपके भजन करब, कीर्तन करब। ए जा आइला के बाद मोह माया कितना बड़ा जंजाल है कि आदमी ए में फंस के रह जाला, ओके पूजा पाठ से कोनो मतलब ना रहेला। आदमी पूजा पाठ का होला भुला जाला, भगवान के नाम लेहल भुला जाला, माई है, बाप है, भाई है, भौजाई है, मर्द है, मेरारू है, बच्चा है, यही में लोग भुला जाला मोह माया में। मोह माया बहुत बड़ा जाल है, जो ने जाल से आदमी चाह के भी निकल ना सकेला। ए खातिर हमार हरिंदर भैया 3 गो सूत्र देले बानी कि मोह माया में रहते हुए आप लोग अपन भगवान भोलेनाथ के सभी देवी देवता के आप लोग सुमिरन कर सकतनी, भजन कर सकतनी। घमंड इतना रानी के रहे कि रानी के घमंड कबो जइबे ना करे भैया। वो हमेशा कह कि हमके का जरूरत बा भाई, भाई बा, भौजाई बा, माई बा, बाप बा, बेटा बेटी बा, इतना भारी महल बा, धन दौलत बा, प्रजा बा, हमके कौन चीज के कमी बा कि हम भगवान के गोहराई, रौरे गोहराई, रौरे के कमी बा। राजा ई बात सुन लो पटा जा, फिर सुबेर होके फिर राजा का कर अपन काम धंधा में लाग जा। राजा के प्रतिदिन यह काम रहे। एक दिन के बाद बा दीदी, राजा के प्रजा में केहू एगो मेहरारू के मौत हो गई। जब मौत भइल तो ओकर इतना लोग रहे दीदी, बेटा बेटी सब केहू रहे, सब केहू रोवत रहे। रानी साहिबा वही रास्ता से जात रहली। रानी कहत अरे राजा, ई काहे इतना भीड़ लागल बा। राजा साहब कहलन अरे भाई, लागता केहू के डोली कहाँ राइल बा, भगवान भोलेनाथ के यहाँ जाए। रानी ऋषि आ गई, कहली हर बात में रोड़ा भोलेनाथ के, भोलेनाथ के कहनी। अरे भोलेनाथ के यहाँ गईले के बाद केहू जानत थोड़ी ना बा, भोलेनाथ कैसे बोलायम कैसे ना बोलायम केहू जानत थोड़ी बा। रानी साहिबा खूब ऋषि आ गई, कहली रौरा तो खाली भोलेनाथ में बोली, तनी उतरी ना तनी देखल ना। राजा साहब कहो ना का देखबू, तोहरे अंदर पाप बा, अगर ऊ तोहके देख ले वो पाप के हकदार हो जाए। न कहो तू भजन कैलू ना कीर्तन कैलू, देख के का करू। कहली ना ना हमरा देख लेले से थोड़ी ना उनकर खराबी हो जाए, चली ना। राजा साहब कहलन कि नहीं घरे चलो। अब रानी पूरा रिसिया के, रानी साहबा रिसिया के सीधे घरे अली, राजमहल में अली। राजमहल में अली कहली रौरा काहे पूजा पाठ कैले रहनी। कहनन राजा की देख अगर उ औरत पूजा पाठ कैले रहित तो भगवान के डोली आइल रही, ओके इतना दर्द ना भइल रही, ओके इतना पीड़ा भइल होई, जब ओकर मौत जब प्राण निकलल होई तो के बहुत पीड़ा भइल होई। भगवान के नाम लेले रही तो आसानी से ओकर प्राण निकल गइल, ओके कितना हुटके के पड़ल होई तारा नहीं बुझा। रानी कहली अरे चली मरला के बाद थोड़ी देखेला। कहलन राजा की रानी देख केहू दुआरी पर भिक्षु भिखारी आवे तो के दान करे। अबे ये बातें करत रहे तब ले एगो जोगी के भेष में भोलेनाथ जी दुआरी पर आके भिक्षाम देही कह के चिल्लाए लगे भोलेनाथ। अब रानी साहिबा कहली कि देखी हऊ भिक्षा मांगता, हमार कान में बहुत तेज आवाज आवता, एक काम करी ओ साधु के भगा दी हमारे दरवाजे पर से, वो तो स्वयं भोलेनाथ आई रहनी। अब राजा साहब कहलन कि अरे भाई इतना भिक्षा दे दहले से कोनो चीज घटेला नहीं, भगवान के देन दई हो सकेला, कहीं साक्षात भगवान ही आए लोग। कहली हाँ यह काम बा, भगवान रौरे घरे आए भिक्षा मांगे, उनके कौन चीज की कमी बा कि वो भिक्षा मांगियन। कहलन राजा साहब चलो तू ना देबू तो तू मत दो, हम जातन खुद दे। राजा साहब का कैलन इतना चाउर उठैलन, ओमे हीरा जवाहरात पैसा कौड़ी लिया के ओ बाबा के झोली में डाल के आ पीछे मुड़न। जब पीछे मुड़लन राजा अंदर गैलन, साधु बाबा जौन रहलन भोलेनाथ जी जौन रहनी वो आशीर्वाद देके चल गई। कुछ दिन के बाद राजा के मौत भइल दीदी, कुछ दिन बाद राजा के मौत हो गई।
जब राजा के मौत हो गई तो रानी साहिबा बहुत रोत रही, बहुत कष्ट में रहली रानी साहिबा। राजा साहब के जब मौत भइल दीदी, भगवान भोलेनाथ डोली कहाँ भेजनी, नंदी के सवारी भेजनी, डोली कहाँ सजा लाई, बढ़िया से फूल के डाली रहे, उसमें सूत के राजा की विदाई भई सुता के। ओकरे कुछ देर बाद, कुछ दिन के बाद रानी के मौत हो गई। जब रानी के मौत भइल दीदी तो उनकरे खाती कांटा के विमान सजा के आई। जब राजा के मौत भइल दीदी तो फूल के डाली सजा के आई, जब रानी के मौत भई तो कांटे के सेज सजा के आई। जब कांटा के सेज सजा के आई दीदी, रानी साहिबा के जब सुतावल गई तो रानी साहिबा के अंग पूरा अंग अंग में सुई जैसे कांटा चुभत रहे। तब राजा के बात याद आई कि हाँ अंतिम में कैसे विदाई होला। तब राजा साहब रानी साहब से पूछलन, का हो रानी अब कैसन बुझाता तारा। रानी साहिबा कहत तरी, तनिए का गोड़ावा भी टोरती है राजावा के सुती हो जाती ना, तनिए का गोड़ावा भी टोरता है राजावा के सुती हो जाती ना, राजावा तो हरे गोड़ा तारिया सुती हो जाती ना, राजावा तो हरे गोड़ा तारिया सुती हो जाती ना। चुभ चुभ गणे रजवाने गनी के काटावा, दर्द हो होलाना अरे दर्द हो होलाना, रजवा साऊ से अलंगिया दर्द हो होलाना, रजवा साऊ से अलंगिया दर्द हो होलाना। राजे साहब तब कहतनी, तब तज कहनी रनिया कोई के भजनिया नहीं रे कैलू ना, तब तज कहनी रनिया कोईला भजनिया नहीं रे कैलू ना, गड़े रे गनी के काटावा नहीं रे कैलू ना, गड़े रे गनी के काटावा नहीं रे कैलू ना। तब राजा साहब समझाओ तन, जब कहनी तके कि तनी पूजा पाठ कल भगवान के भजन कल तब तू ना कैलू, कहत रहलू कि हमार हई बा हौ बा धन बा दौलत बा केहू तोरे साथे आइल बा नहीं आए। रानी साहब करी, ना ये राजा हम बहुत बड़वन गलती कैनी हे भोलेनाथ, अबू से हमके पार लगा। लेकिन देखिए दीदी सच्चाई तो इहे बा, जितना आप जेके करब उतना आपके मिले। उ तो रानी कुछ कैले ना रही, कुछ अच्छा वो कर्म कैले ना रही कि उनके अच्छा चीज मिले, कुछ अच्छा ना कैले रही। जब डोली में बैठली चुभ चुभ रेगनी के काट गड़े ला, राजा से कह तरी रहे तनी गोड़वा भी टोर ली ना, तनी रोरे गोड़ तरिया सुझ जाते। राजा साहब कहलन के हमारे गोड़वारी का सतबू, हमारे गोड़वारी जगह ही नहीं खे। जब कहनी के रानी तनी भजन कर ल, बुलाओ अब अपने लैकन के, बुलावा धन दौलत रुपया पैसा के, देख तुआर गाड़ी जाला उजा ले, गाड़ी धन दौलत तो सब बनौलू, लेकिन ऐजा खातिर कोनो अच्छा कर्म ना कैलू कि भगवान तोके कुछ अच्छा दे सके। अब बुलावो देख गाड़ी तहार चरपैया जौन बाटे उजा खरदाइल बा, देख तहार चरपैया गाड़ी कामे आओ। तब भोलेनाथ से कह लगली, हे भोलेनाथ अरे हम कुछ कैली नाही, कम से कम हमरा के पार त लगाए। कैसे कैसे भगवान के दया से पार भइली, जब ओजा गईली यमराज के पास, जब उनका हिसाब किताब भइल तो सारा में पलड़ा में खाली बुराइये रहे, अच्छाई कबो कैले ना रहली रानी, आ राजा खाली अच्छाई भरल रहे, बुराई बहुत कम रहे, अच्छाई पूरा ज्यादा रहे। अब का भइल, राजा जौन जौन दान कैले रहना उ सजा के थरिया में खाए के आवे, आ रानी के अंदर लालच आवे कि बताओ हम इतना हमारे वो जा इतना धन दौलत रहला हमार सब रहला, हमरा के कुछ नहीं के मिलती, जा के कुछ ना मिले। बोले ना से कहली, हे महादेव ई बताई रे घरे आइल बने रे कुछ तो खाए के दी। बोले ना तो कहनी, एगो याद करे एगो दिन रहे जब तू इंसान रहलू, हम तारे दरवाजा पे भिक्षा मांगे गई लनी, तुम तो भिक्षा ना देले रहलू,
सोचनी कि चलो भिक्षा अगर हमके भूल के भी भिक्षा दे देले तो कम से कम वो भिक्षा ही तो के खाए के देले रहती। तू तो हमके कबो देले नहीं खू, कोनो भिखारी के दान नहीं खू कैले, कबो गरीब के मदद नहीं खू कैले, हम तो के का दे। तरे हिस्सा में कुछ नहीं खे का दे, सांप गोजर बिच्छी परोस के ले आओ सब अप्सरा कहे लोग ला लो खा। अब वो का खाइया जब उनके कुछ रबे ना करे, आग भौर लिया के डालल जा खाए के। रानी कुछ दान ना कैले रहली ऐसे मिलल ना। एक हाथी दीदी देखी कभी भी भगवान के भजन करी, भगवान के दान पुण करी, शरीर मिलल बा। मनुष्य के शरीर भगवान देले बने तो कुछ अच्छा करी, केहू के बुरा मत करी, हर इंसान खाती अच्छा सोची अच्छा करी। केहू के इतना दान कैला से आपके कुछ घटी ना और बढ़ी, भगवान के देन से बढ़ी भी। और कभी भी आप भगवान के पास जब जाए तो अच्छा सुविधा मिली आपको। एक हाथी भजन इभरी जवानी में कर ली, बुढ़ापा के देख लेगा। बुढ़ापा में तो केहू केहू के ना होला, कितना भी प्रिय रही आपके बेटा बेटी आपके घर से बाहर निकाल दे, लेकिन भगवान के जब एक बार हाथ पकड़ लेम ना दीदी, भगवान आपके कबो भी छोड़ेम ना। एक हाथी इंसान के हाथ पकड़ला से अच्छा बा कि भगवान भोलेनाथ के हाथ पकड़े, उनके हाथ पकड़ब तो मजबूती से पकड़ ले रही भगवान। अगर इंसान के हाथ पकड़ब इंसान कभी भी छोड़ सकेला। एक हाथी भजन कीर्तन में मन लगाई, कैसा लागल भजन? अगर अच्छा लागल तो चैनल के सब्सक्राइब करब, वीडियो के लाइक करब, शेयर करब, कमेंट में हर महादेव जरूर लिखे। और कैसा लागल हमार कथा? अगर अच्छा लागल हो तो जरूर चैनल के सब्सक्राइब करब, कमेंट में आप कहाँ से देख रहा बानी हमरा के जरूर बताए। और बहुत अच्छा लगी हमरा के कि आप कहाँ से देखा तनी, हमार कथा कहाँ कहाँ तक पहुँचा था, हमके बहुत खुशी हुई। अगर आप लोग कमेंट करके बताए कि आप कौन शहर से बानी, तो आई कथा के हम यही समाप्त करते हैं दीदी। फिर मिलते नहीं अगले कथा में, आज खातिर इतना ही, धन्यवाद।